तो व्यूअर्स, ये हैं हाजी इमरान शीरमाल, स्पेशल शीरमाल मेरठ वाले हैं। ये मेरठ की स्पेशल शीरमाल बनाते हैं। ये देखिए, मेहनत करते हैं, इसे पूरा डिज़ाइन करते हैं। इसमें अभी और ड्राई फ्रूट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। मोहम्मद, तो व्यूअर्स, ये हैं हाजी इमरान शीरमाल, स्पेशल शीरमाल मेरठ वाले हैं। ये मेरठ की स्पेशल शीरमाल बनाते हैं। ये देखिए, इनकी शीरमाल की वैरायटी है अलग अलग। और अलग अलग ही इनकी प्राइस है। ये 40 रुपए से स्टार्ट है, उसके बाद ये 50 रुपए की है, ये 60 रुपए की है, ये 70 रुपए की है, ये 80 रुपए की है, ये 100 रुपए, और ये 120 रुपए की है। ये स्पेशल शीरमाल ही बनाते हैं सिर्फ, और यहीं इनकी शीरमाल बनती है। ताज़ा शीरमाल बन रही है, देखिए। अभी हमने कुछ ली भी हैं शीरमाल, यहाँ पैक कराई हैं और खा के भी देखी हैं। बहुत ही जायकेदार शीरमाल है इनकी, मेरठ की मशहूर शीरमाल है ये। ये गरम गरम शीरमाल लगा रहे हैं। ये भी हमने तिल वाली शीरमाल लगाई है, इसको भी ठंडा करके ये पैक करेंगे। और ये देखिए, ये शीरमाल बन रही है। ये बन रही है, अब ये आएगी सब, ये रेडी होके आ रही है। देखिए, तिल वाली शीरमाल है। ये ड्राई फ्रूट्स वाली है, इसमें फुल ड्राई फ्रूट्स हैं। काजू बादाम फुल लगाई, काजू बादाम इस वाली में। ये सर, ये भी जो है आपने लगाई है? हाँ जी सर। ये देखिए सर, इतने ड्राई फ्रूट्स इसमें लगे हुए हैं, काजू बादाम इतने लगा रखे हैं। ये तंदूर के अंदर लगा दिए, अब ये सिक रही है, और ये प्रॉपर सिक जाएगी जब इसको निकालेंगे। ये लगा के आ रहा है, ये देखिए, ये बना रहे हैं, ये बेलते हैं यहाँ पर। और ये भाई साहब इसकी देखिए डेकोरेशन कर रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट्स इसके लगा रहे हैं, ये काजू लगा रहे हैं, ये बादाम कटे हुए रखे हैं, ये मगज़ हैं, ये क्या पिस्ता है भैया, ये पिस्ते का चूरा, ये लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, ये काजू है। ये पूरा देखिए कितनी मेहनत करते हैं, इसे पूरा डिज़ाइन करते हैं। इसमें अभी और ड्राई फ्रूट्स लगेंगे। इधर ये इन्होंने लगा के रखे हैं, ये इनके देखिए बादाम रखे हुए हैं। हाँ, नहीं लगती है। ये देखिए, ये बनाने का तरीका देखिए, इसको ये ड्राई फ्रूट्स लगा के इन्होंने लगाया है। ये अब इसको ये उल्टा इस पर रखेंगे और ये तंदूर में लगा देंगे, ये लगा देंगे। अब ये सीखे, ये देखिए, वही तो मैं, ये इन्होंने लगा दिए, अब ये देखिए सिक रही है। देखिए, ये रेडी होके आ गई इनकी शीरमाल। ये क्या रखा है इसमें भैया, ये क्या लगाते हैं? ये घी होता है। घी यहाँ लगाते हैं? घी है, ये देसी घी होता है। देसी घी बाद में लगाते हैं इसमें? हाँ जी, ये ठंडा सब में लगता है, या ये सब में लगता है? सब में लगता है देसी घी, ठंडा हो गया थोड़ा। ये जो अभी बनी है, ये अभी हमारी तिल वाली, इसमें देसी घी अब लगाएंगे आप? तैयार हो गई, हमारी हो गई, पैक कर दी आपने? ये हमारी नहीं है। ये बनाने वाले भाई साहब, एक तो ये तंदूर में लगा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दीन मोहम्मद है सर। दीन मोहम्मद है, कहाँ? मेरठ के हैं या यहीं लग? मेरठ के, साहब मेरठ के, बड़ी मस्जिद के पीछे के। मेरठ के हैं। और आपका भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस, जहीर जी। आप ये तिल लगा रहे हैं और बेल रहे हैं इसको जी? आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? तीन चार महीने से आप ये कर रहे हैं। ये आपने सीखा कहीं बनाना? ये कहाँ पर सीखा? जुमा मस्जिद पे, मेरठ में। मेरठ से आए यहाँ पर काम करने आप? ये मेरठ की मशहूर होती है माशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थी देखिए मेरठ की मशहूर शीरमाल। ये हमने आपने इसको बनाने का तरीका भी बताया, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे ये तंदूर में लगाते हैं, सेकते हैं। और
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लजीज ये मेरठ की शिमाल है। गर्मा गर्म खीरमा अब ये लग रही है, अभी इसमें ये देसी घी लगाएंगे ऊपर से, फिर खाने को देंगे। तो दोस्तों ये है मेरठ की मशहूर शीरमाल, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लोग बना रहे हैं। अभी मैंने आपको उसका पूरा प्रोसेस दिखाया शीरमाल बनाने का तरीका। दिल्ली के साकिर नगर मेन मार्केट में ये दुकान है इनकी, अगर आप लोग जाकिर नगर आए तो इनकी शीरमाल ज़रूर लें। बहुत ही बढ़िया शीरमाल बनाते हैं, बहुत ही जायकेदार शीरमाल बनाते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।